अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मियां उमर, यू आर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। हमारे एक क्लाइंट जो हमसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो कौन सी, मतलब कि हम किस तरीके से बैलेट के अंदर जो है ना वो हिस्सा ले सकते हैं, और ये जो 40% और 60% वाली जो पॉलिसी है इसको हम किस तरीके से जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल्स हैं वो बैलेट के अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है कि आपने मिनिमम 40% या मैक्सिमम 60% आपने अमाउंट जो है वो सोसाइटी में सबमिट करनी है अपनी फाइल के अगेंस्ट। तो उसके बाद सोसाइटी आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगी जिसके अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने 40% अमाउंट की है तो वहाँ पे 40% वाला आपको टिक हुआ होगा या इंडिकेट कर रहा होगा। अगर आप 60% करेंगे तो वहाँ पे स्लिप के ऊपर जो 60% वाला ऑप्शन है वो वहाँ पे डोमिनेट होगा। तो उससे ये है कि आपको स्लिप के थ्रू आपको बताया जाएगा कि भाई आपकी जो फाइल है ये किस बैलेटिंग में फॉल कर रही है, क्या ये 60% वाली पॉलिसी के अंदर आती है या 40% वाली पॉलिसी में आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल जो है वो बैलेट का हिस्सा बने तो लाजमी लाजमी आपने जो है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेनी है। जिन क्लाइंट्स को एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं मिलेंगी या जो क्लाइंट्स की अमाउंट 60% या 40% होने के बावजूद वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स नहीं लेते तो वो जो फाइल्स हैं वो बैलेटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये एक छोटा सा जो है वो आप लोगों के लिए टिप है, और मज़ीद मालूमात के लिए लाहौर स्मार्ट सिटी की आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।